नमस्कार, मैं हूं धनश्री के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उम्मीदवार के साथ सिर्फ 3 लोग ही कलेक्टर कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करने के लिए अंदर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कलेक्टर कार्यालय के गेट पर भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं, जिससे किसी प्रत्याशी के साथ अगर उससे ज्यादा समर्थन आते हैं तो उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया जाएगा। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के बाहर पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से किए जाने वाले पुलिस लोगों को वाहन स्टैंड में वाहन खड़े रखने की हिदायत दी जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मतलब नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, सुरक्षा को लेकर आज पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया? आज भी नॉमिनेशन जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसमें यह प्रमुख है कि एक अभ्यर्थी के साथ सिर्फ 3 व्यक्ति जा सकते हैं, और इस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस भी चल रहा है तो सुरक्षा का दायित्व थोड़ा सा बड़ा है। तो हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं किसी आम आदमी को तकलीफ ना हो, कैंडिडेट को भी तकलीफ ना हो, और उसको नियम कानून से अवगत कराते हुए हमने ये व्यवस्था लगाई थी। पार्किंग आर्किंग में भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, और अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र नियमों के अनुसार प्रस्तुत करें और लोगों को भी तकलीफ ना दें। कहीं ना कहीं कुछ लोग भीड़ लेकर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं नामांकन भरने। नॉमिनेशन के बारे में पहले बात करते हैं, चूँकि आपको भीड़ लेके तो नहीं आना है, और अंदर के लिए सिर्फ हम 4 आदमी को ही प्रवेश दे रहे हैं। उसके लिए हम उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं और आयोग के नियम से अवगत भी कराते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।